बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सर्किट थ्योरी, जिसका सब्जेक्ट कोड PHY301 है, इसके GTB नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि स्प्रिंग सेमेस्टर 2020 से रिलेटेड है। तो इसकी ड्यू डेट 26 अगस्त 2020 है। कंस्ट्रक्शन क्या है आपके पास, क्या है जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, इंस्ट्रक्शन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको जो आंसर है वो 5 to 6 लाइन से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी 5, 6, 5.5 इट्स ओके। तो फॉन्ट साइज जो अमूमन हर GDB के लिए सेम होता है, आप इसको देख लीजिएगा। तो हम डायरेक्टली जाते हैं अपने GDB क्वेश्चन की तरफ, उसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। कैन द फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर बोथ आर यूज फॉर फ्लो रेक्टिफिकेशन। कैन जो फुल वेव रेक्टिफायर और जो ब्रिज रेक्टिफायर दोनों एक्टिवेशन फुल रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन व्हाट फीचर्स ऑफ ईच एडवांटेज अवर टू द अदर। तो कौन से वो फीचर हैं जो एक को एडवांटेज देते हैं दूसरे के ऊपर, यानी एक को बेहतर करते हैं दूसरे को नहीं करते हैं, जो मैं इस स्टेटमेंट से समझ रहा हूँ कि हमने हर एक का देना है। व्हाट पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसको हम पीक रिवर्स वोल्टेज भी कहते हैं, PRV, वैल्यू डिटरमाइन ईच रेक्टिफायर। ये जो PIV का फैक्टर है, ये हर रेक्टिफायर में क्या मालूम करता है, हमने इसके बारे में ये बताना है। यानी दो पोर्शन है, पहले पार्ट में हमने एडवांटेज बताने हैं किसी भी रेक्टिफायर के दूसरे के ऊपर, और दूसरे में हमने बताना है कि जो हमारी PIV वैल्यू है वो हर रेक्टिफायर में क्या डिटरमाइन करती है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर अवर फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहला क्या है, मेन एडवांटेज ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर अवर फुल वेव रेक्टिफायर दैट इट प्रोड्यूस ट्वाइस आउटपुट वोल्टेज कंपैरेटिवली एज प्रोड्यूस बाय फुल वेव सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूजिंग सेम सेकेंडरी वोल्टेज। कहते हैं जो मेन एडवांटेज है ब्रिज रेक्टिफायर यूज करने का, वो ये है कि इससे हमें जो आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो तो दुगनी होती है एज कंपेयर टू वही जो फुल वेव सेंटर टैप ट्रांसफार्मर पैदा करता है सेकेंडरी वोल्टेज के जरिए। दूसरा क्या है हमारे पास, एडवांटेज ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर अवर फुल वेव रेक्टिफायर इज दैट इट इज फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ सेंट्रली टैप ट्रांसफार्मर। जैसे आपको पता है फुल वेव रेक्टिफायर जो क्या होता है वो सेंट्रली टैप ट्रांसफार्मर उसमें यूज होते हैं, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में एज सच कोई केस नहीं, यानी वहाँ सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर का कोई कंसेप्ट नहीं है, विच मेक इट मोर एफिशिएंट एंड यूजफुल। ये भी इसका एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज दे रहा हूँ, द ब्रिज रेक्टिफायर एंजॉयज मोर ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर दैट गिव्स इट एक्स्ट्रा एज अवर फुल वेव रेक्टिफायर। और जो एक ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो भी ब्रिज रेक्टिफायर में ज़्यादा होता है, जो कि उसे एक एक्स्ट्रा एज देता है कंपैरेटिवली किस पे, फुल वेव रेक्टिफायर पे। ये तो मैंने तीन दिन में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना आंसर 5 to 6 लाइन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने देना, ना कम हो ना 6 लाइन से ज़्यादा, 5 या 6 या 5.5। तो उसके बाद इतने एडवांटेज हैं, लेकिन ये जो मैं समझाऊँ उस जहाँ मैंने आपको बताया था क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करते वक्त, अब फुल वेव रेक्टिफायर एडवांटेज क्या है, काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे यही मिला है कि द फुल वेव रेक्टिफायर हैज़ 2 नंबर ऑफ डायोड्स वाल ब्रिज रेक्टिफायर हैज़ 4 नंबर ऑफ डायोड्स। अगर इसको ना भी लिखो तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ मैंने लिखी है। अब दूसरा पोर्शन है हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज पीक रिवर्स वोल्टेज, इसके बारे में बताना है कि PIV या PRV रेफर्स टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज व्हेन इनपुट साइकिल इज एट इट्स पीक प्रोवाइडेड दैट डायोड इज रिवर्स बायस्ड। कह रहे हैं कि PI या PRV ऐसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज की इजाज़त करते हैं जब जो इनपुट साइकिल होता है अपनी पीक पे होता है, शर्त यह कि जो डायोड हैं वो रिवर्स बाइस्ड हों। देयरफॉर इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इट्स वैल्यू इज 2 VmEx, बट इन ब्रिज रेक्टिफायर इट्स वैल्यू इज हाफ दैट इज VmEx। तो वही ऊपर वाला जो मैंने एडवांटेज बताया था कि डबल आउटपुट होती है, तो यहाँ फुल वेव में क्या रेक्टिफायर है उसकी वैल्यू जो PIV डिटरमाइन करती है 2 VmEx है, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में कितनी है VmEx है। तो उम्मीद करता हूँ आपको
जीडीपी का सोच समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोर ओपन फॉर डिस्कशन एंड डिबेट। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर हिट करें। ऑल के ऑप्शन को मस्ट सेलेक्ट करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।